अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मूक मोर्चा, मुंह पर काली पट्टी बांधकर वासी में आंदोलन। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में आंदोलन जहां मंद पड़ रहा है, वहीं सोमवार को वासी में निकाले गए मूक मोर्चे से नवी मुंबई की राजनीति गरमाई रही। विरोध मोर्चे में कांग्रेस, एनसीपी, रिपाई समेत तमाम संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वाशी रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ यह मोर्चा शिवाजी चौक पर भाषणों के साथ खत्म हो गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एनसीपी महासचिव अफसर इमाम, आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने सीएए को मुस्लिम विरोधी और समाज में फूट डालने का जरिया बताया और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी नीतियाँ ऐसी है जिससे अपने देश में आर्थिक बहुत सारा तकलीफ हो रहा है हम लोग को, अपने आर्थिक मंदी आ चुकी है हमारे देश में, और बहुत सारा उन्होंने कानून ऐसा लाया जिस तरह से नोटबंदी लाया उन्होंने, आपको जीएसटी लाया और बहुत सारे अलग अलग कानून लाया जिससे हमारे देश में काफ़ी तकलीफ लोगों को हो रहा था और लोग इसका बड़े पैमाने पर विरोध करने वाले थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सीए और एनआरसी ला करके लोगों को डाइवर्ट, दिमाग को डाइवर्ट करने का काम जो गवर्नमेंट ने किया, जो ये निंदनीय है, सब हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं और उनको शांति पसंद नहीं है। आप सभी को मालूम होगा कि आज हज़ारों की संख्या में लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन एक भी आदमी किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन हो ये रहा है ना कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, जिस तरह से आपको यूपी में हुकूमत उसकी है, असम में, बेंगलोर में, कर्नाटक में और गुजरात में, उस जगह पर देखिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। दिल्ली में आपने सुना होगा कि लोगों को मारा गया बड़े पैमाने पर, तो बीजेपी के लोग खुद इस तरह का काम को करवा रहे हैं और अपने देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो एक निंदनीय है। आज यहाँ पर नई मुंबई के अंदर में पढ़े लिखे समाज के लोग भरे हुए हैं, इस सबको आता है कि ये जो कानून है देश विरोधी है, इसका जुर्माना जो है हम सभी धर्म के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में ये बात जा रहा था कि ये कानून सिर्फ मुस्लिम के अगेंस्ट में है, ऐसा नहीं है कि ये सीए और एनआरसी जो लागू होने वाला है इसके कारण कितने ऐसे लोग बंजारे समाज के लोग हैं जिनका खुद का घर द्वार नहीं है, जो इधर कल उधर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को चेंज करते रहते हैं, उनके पास पेपर कहाँ से आएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे आदिवासी लोग आदिवासी पाड़ा में रहते हैं, उनके पास खुद का घर द्वार नहीं है, उनके पास पेपर कहाँ से आएगा। तो ये सबको जिस तरह से नोटबंदी के टाइम में लोगों को लाइन में लगाया, फिर से एक बार लाइन में लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम लोग एक शांति तरीके से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि देखो, अगर भारत का आपको एक मजबूत नागरिक बनना है तो सबसे पहले आपको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप भारत का संविधान पढ़ लेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा कि भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है क्या वह संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। आज आप देखेंगे कि ये जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट करके जो एक नया कानून आया है, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में बोलते हैं लेकिन उन्होंने कभी संविधान पढ़ा भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है। जब संविधान ने बहुत क्लियर किया है कि भारतवर्ष में किसी भी नागरिक को समान नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया है और समान न्याय का हक दिया है, वैसे में आप कैसे किसी भारत की नागरिकता को धर्म के आधार पर दे सकते हैं। यही हमारा मेन कहना था कि आप धर्म के आधार पर नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कुछ लोग पीड़ित हैं जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, तो आप ऐसा कर सकते थे कि इन देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को आप नागरिकता देंगे तो भी माना जा सकता था, लेकिन आपने 6 धर्म का नाम लिया और मुस्लिम धर्म को जानबूझ करके किनारा किया। इसका मतलब है कि आपकी नियत थी कि इससे मुसलमानों में उबाल आए और आप उस उबाल का फायदा ले सकें, और निश्चित तौर पर उनको फायदा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर यही हम सब भारतीय नागरिक अपने संविधान को पढ़े होते तो हम आसानी के साथ यह समझ जाते कि भारत सरकार की मंशा क्या है और कैसे उनका यह कानून संविधान के विपरीत है। ये रैली नहीं है, ये एक जन जागृति मोर्चा है, सरकार के काले कानून के खिलाफ एक मोर्चा है, और अफसर भाई इमाम जैसे आदमी ने सब जाति धर्म के लोगों को इसमें बुलाया है, उनके एक रेपुटेशन है, और मोर्चे का ऐसा है मीनिंग कि हमारे भारत के अंदर हमारा जो संविधान है
वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संविधान का प्रियम्बल में स्पष्ट लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन टू ए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर, ये वर्ड है उसके अंदर। इनका एक एजेंडा है, पहले ये एनआरसी लेके आए आसाम के अंदर, वहाँ ये फेल हो गए, इनका वोट बैंक टूटता दिखा, तो उसको सुधारने के लिए CAA लेके आए, उसके माध्यम से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम उसके बीच में एक बड़ी दरी निर्माण करने की ये लोग की कोशिश है। मुसलमान को द्वितीय दर्जा देना, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये RSS का BJP का छुपा एजेंडा है और वो एजेंडा हम होने नहीं देंगे, इसलिए मोर्चे के समर्थन यहाँ पर आए। क्यों? इसको समझने की ज़रूरत है, ये जो मुसलमान यहाँ देश के अंदर हैं ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये अफगानी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बांग्लादेशी नहीं है, फिर ये मुद्दा क्यों आया, फिर ये सब्जेक्ट क्यों आया? यहाँ का मुसलमान वो मुसलमान है जो इस धरती में जन्मा है, उसका खून इधर गिरा है और देश के सुख दुख में उसका सहभाग है, देश के विकास का सहभाग है, उसने खुशी से अच्छा लगा तो इस्लाम स्क्वायर किया, ये मुसलमान है, और जब वक्त आया तो हिंदुओं के लिए वो हमेशा आगे खड़ा हुआ, कभी जाति धर्म की बात नहीं की, उस मुसलमान के लिए हम ये समर्थन देने के लिए आए हैं। ये लोग ने खाली एक एजेंडा बना लिया देश का माहौल बिगाड़ने का, उसके निश्चित क्रम यहाँ पर आए। बताना जरूरी है कि मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज आशंकित है। इसे लेकर जहाँ सरकार जागरूकता फैलाने की कवायद में जुटी है, वहीं भाजपा के विरोधी दल आंदोलन को विस्तार देने में जुटे हैं। साल के आखिरी पखवाड़े में नागरिकता कानून के विरोध और समर्थन में अब तक मुंबई में दर्जनों रैलियां हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।